What would you do if you won a lottery? अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो आप क्या करेंगे? ये सेंटेंस जब आपने इंग्लिश में सुना तो क्या आपको लगा था कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो आप क्या करेंगे, और मैंने बोला व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वॉन अ लॉटरी, और हम सेकेंड फॉर्म कब यूज़ करते हैं? ऑफकोर्स पास्ट सिंपल में यूज़ करते हैं. ये क्यों यहाँ पे यूज़ हुआ ये सब जानेंगे इस वीडियो में गाइस. ये आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल्स, और कंडीशनल्स सभी ट्रिकी नहीं होते, बट ये पर्टिकुलर ये वाला ट्रिकी है. इसको समझना है तो वीडियो में एंड तक बने रहे. हे देयर, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन. गाइस, जो भी कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और हाँ, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और प्रॉमिस कीजिए कि वीडियो को एंड तक देखेंगे. लेट्स गेट गोइंग. तो अब बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा. सेकंड कंडीशनल हम यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए. वी यूज सेकेंड कंडीशनल्स टू टॉक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर. अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट कंडीशनल भी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हुआ और सेकेंड कंडीशनल भी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हुआ, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? तो गाइज, यही तो समझने की बात है और यही तो ट्रिकी है यहाँ पे. इसलिए फर्स्ट और सेकेंड के बीच का अंतर अगर आपने समझ लिया तो आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे. फिर आपकी बात को सुन के कोई ये नहीं कहेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती. इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसे देखना है. सेकेंड कंडीशनल में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पॉसिबिलिटी होती है, मैं हमेशा पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ कि पॉसिबिलिटी जो है वो इफ़ क्लॉज की, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, इफ़ क्लॉज की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. यानी कि जो कंडीशन हम रखने वाले कि अगर ऐसा हुआ या फिर अगर ऐसा हो तो हम उसकी पॉसिबिलिटी जज करते हैं, हम उसकी नहीं करते जो कि रिजल्ट में आता है. ठीक है, जीरो या फिर लो पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ लिखा है. यानी कि जबकि बिल्कुल पॉसिबिलिटी ना हो तब इसे यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं. मतलब कि जो कंडीशन है वो पॉसिबल ही ना हो या फिर लो पॉसिबिलिटी हो. लो मतलब कि मान लीजिए 10-15% कि वो चीज़ होगी. 10-15% परसेंट वाइज समझिए, अच्छे से समझ पाएंगे. चलिए एक और चीज़ दे देती हूँ आपको परसेंट वाइज ही. जब आपने जीरो कंडीशनल सीखा वहाँ 100% पॉसिबिलिटी थी, यानी कि श्योरिटी थी. 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती, श्योरिटी होती है. 100% अगर आप आइस को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, तो 100% गारंटी थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तब हमने जीरो कंडीशनल में यूज़ किया. और फर्स्ट कंडीशनल में 50 से ऊपर की पॉसिबिलिटी होती है, 50 या 50 से ऊपर. एक मैं आपको रैंडम परसेंटेज बता रही हूँ, इसको लिटरली मत लीजिएगा समझने के लिए. ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल में वो भी हम प्रेजेंट फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ 50% पॉसिबिलिटी होती है, उससे ऊपर हो सकती है. लेकिन यहाँ 10-15 बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, या फिर जीरो मतलब ना के बराबर, बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो तब यूज़ करते हैं. यानी कि चांसेस कम है इफ क्लॉज में जो बात कर रही हूँ उसके. ठीक है, सेंटेंस में आप समझ पाएंगे. अब आप देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. इफ के साथ पास्ट सिंपल यूज हुआ है. पास्ट सिंपल सुन के हैरान हो रहे होंगे आप कि जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो पास्ट क्यों यूज कर रहे हैं. इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है. इस सेंटेंस का जो सेंटेंसेस हम सेकेंड कंडीशनल में बनाते हैं उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता. हम भूतकाल की बात नहीं करते, लेकिन हम उसमें यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल, यानी कि सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की. पास्ट सिंपल में सेंटेंस बनाते हैं कौन सा? इफ क्लॉज. और जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसे हम वुड की हेल्प से बनाते हैं, वुड डू, यानी कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब आप सेंटेंस देखिए समझ जाएंगे. अगर मैं तुम होती तो मैं हर रोज बाहर जाती. तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ तुम की, तो मतलब आप बाहर नहीं जाते. मैं कह रही हूँ अगर मैं तुम होती तो मैं रोज़ बाहर जाती. ठीक है, लेकिन क्या मैं तुम हो सकती हूँ? नहीं हो सकती. पॉसिबिलिटी क्या है? ज़ीरो. मैं हूँ, आप हैं. मैं आप नहीं बन सकती, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं. तो इवन ये वर्ड मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये हम यूज़ करते हैं इमेजिनेशन के लिए. ठीक है, जब हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो तो क्या हो फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए. अभी मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ और फ्यूचर की भी बात कर रही हूँ. अगर मैं तुम होती तो मैं रोज़ बाहर जाती, मतलब आज भी जाती, कल भी जाती, फ्यूचर में भी जाती. तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा इफ. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? आई.
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पास्ट सिंपल में हम बना रहे हैं तो हम यहाँ यूज करेंगे आई वर यू, सॉरी। अब आप सोचेंगे आई के साथ वर क्यों आया, तो वैसे तो आई के साथ वॉज आता है, लेकिन जब भी आप इफ पाएंगे ना तो इन प्रोनाउंस के पहले या फिर नाम के भी पहले, तो आप उसके साथ वर का यूज कर सकते हैं। सिर्फ आई के ही साथ नहीं, सबके साथ आप वर का यूज कर सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है ये। लेकिन ये भी बता दूं, जैसे कि ही आया, ही वर, शी वर, तो बहुत लोग ही वॉज, शी वॉज का यूज करते हैं, तो वो भी गलत नहीं माना जाता। लेकिन कंफ्यूजन हो और ये लगे कि एग्जाम में मार्क्स तो नहीं कटेंगे मेरे, तो आप प्रेफर क्या करेंगे, वर। इफ के साथ हमेशा वर सही है, इफ आई वर, इफ यू वर, इफ दे वर, इफ शी वर, इफ ही वर, तो यहाँ पे आप वर में इसे पाएंगे और ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब सेंटेंस पूरा बनाते हैं, इफ आई वर यू कॉमा, क्योंकि इफ क्लॉज है तो कॉमा लगेगा। मैं हर रोज बाहर जाती, आई वुड, वुड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, गो, आई वुड गो आउट एवरी डे, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस बना, इफ आई वर यू आई वुड गो आउट एवरी डे। तो ध्यान रखिएगा, जीरो पॉसिबिलिटी थी तो हमने सेकेंड कंडीशनल यूज किया, भले ही फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन हमने पास्ट की फॉर्म यहाँ पे यूज की है। अब देखिए, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं दवाइयाँ फ्री में देती, अब ये बोलने से ही साफ हो गया मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर मैं डॉक्टर होती तो दैट मीन्स मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैं कल्पना कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर होती तो उसका प्रोबेबल रिजल्ट क्या होता, कि मैं दवाइयाँ फ्री में देती। तो इसे बनाएंगे, इफ आई वर अ डॉक्टर, ठीक है, कॉमा, आई वुड गिव, यानी वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लाएंगे ना, आई वुड गिव मेडिसिंस, फिर फॉर फ्री, मैं दवाइयां मुफ्त में देती, फ्री में देती, आई वुड गिव मेडिसिंस फॉर फ्री, क्लियर। पास्ट यूज किया और वुड यूज किया। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी। अब मैं बोल रही हूँ अगर मेरी लॉटरी लग जाए, तो इस सेंटेंस को हम फर्स्ट कंडीशनल में भी बना सकते हैं और सेकेंड कंडीशनल में भी, बट इसे हम फर्स्ट कंडीशनल में नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो पॉसिबिलिटी है, ना तो मैं आप बन सकती हूँ और ना मैं अभी डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है डॉक्टर बनने का। लेकिन इस सेंटेंस को, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी, तो अगर मेरे पास लॉटरी टिकट्स हैं तब मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी, तो ये फर्स्ट कंडीशनल में बनेगा, क्योंकि अगर मेरी लॉटरी लग जाए ये पॉसिबल होगा, 50% चांसेस होंगे क्योंकि मेरे पास लॉटरी टिकट है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में फर्स्ट में बना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा ताकि आप मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, इफ आई, अब जब हम फर्स्ट कंडीशनल बनाते हैं तो क्या बनता है, प्रेजेंट सिंपल, इफ आई, सॉरी यहाँ पे मैं जीतने की बात कर रही हूँ तो विन बोलूंगी, इफ आई विन द लॉटरी कॉमा, आई फर्स्ट कंडीशनल में विल आएगा, ठीक है, फ्यूचर सिंपल, आई विल बाय अ बिग हाउस, ये फर्स्ट कंडीशनल है, गलती ना करें क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो गलती कर सकते हैं, तो बता दूं ये फर्स्ट कंडीशनल है, सी यूज किया है कंडीशनल के लिए, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं सेकेंड कंडीशनल में तब बनाऊंगी जबकि मेरे पास कोई लॉटरी टिकट नहीं है, मैं पूरी तरीके से इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं लॉटरी नहीं खेलती, मेरे पास कोई टिकट भी नहीं है और मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी, फिर भी इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है, क्योंकि हो सकता है मैं आगे लॉटरी खेलूं, अभी नहीं खेलती, हो सकता है आगे खेलूं, सब इमेजिनेशन में ही है और बात दोनों ही फ्यूचर की है। तो अगर लॉटरी टिकट है तो फर्स्ट कंडीशनल पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लॉटरी टिकट नहीं है पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तब हम बनाएंगे इसको सेकेंड कंडीशनल में और बनेगा इफ आई, अब यहाँ पे हम जब पास्ट सिंपल यूज करेंगे तो विन की सेकेंड फॉर्म वॉन आएगी, इफ आई वॉन द लॉटरी, ठीक है, आई वुड बाय अ बिग हाउस,
क्लियर हो रहा होगा आपके लिए कॉन्सेप्ट. अब मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. पॉसिबिलिटी की बात की हमने, प्रोबेबिलिटी की बात की. अगर ज़्यादा चांसेस हैं इस वाले पोर्शन के सच होने की, तब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट कंडीशनल. कम चांसेस हैं या जीरो हैं तो हम यूज़ करेंगे सेकेंड कंडीशनल. तो ये क्या था? सेकेंड कंडीशनल. ठीक है. If I won the lottery, I would buy a big house. इसी तरीके से एक सेंटेंस लेते हैं कि मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं, आप किसी को जानते हैं जो कि मेरा पड़ोसी है, आप नहीं आ पा रहे हैं उससे मिलने. मान लीजिए नाम रखते हैं मीरा. मीरा आपकी फ्रेंड है और मेरी पड़ोसी है, तो आप आ नहीं पा रहे उससे मिलने. तो आप मुझसे बोलते हैं कि अगर तुम मीरा से कल मिलो तो कोई मैसेज देते हैं कि मैं उसको दे दूं. तो मैं आपसे कहती हूँ अगर मैं मीरा से कल मिलूंगी तो मैं उससे बोल दूंगी. तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं मीरा से कल मिलूंगी तो मैं उससे बोल दूंगी. तो सबसे पहले यही सेंटेंस लिख लेते हैं. तो अब देखिए फर्क समझिएगा. इसे भी हम फर्स्ट और सेकंड में बनाएंगे. मैं इसलिए दोनों को कंपेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बड़ा ट्रिकी और बहुत ही कंफ्यूजिंग है. जैसा कि आपने देखा कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं फिर भी पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ये हजम नहीं होती, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो यहाँ पे सारा खेल पॉसिबिलिटी का है, यानी कि कितने चांसेस है उस चीज़ के सच होने के. इमेजिनेशन है पूरी तरीके से तो सेकेंड यूज़ होगा. अगर लग रहा है कि पूरा हो सकता है, हो सकता है चांसेस ज़्यादा हैं मिलने के, तो फर्स्ट. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं मीरा से कल मिलूंगी तो मैं उससे बोल दूंगी. अब इस सेंटेंस में बताती हूँ, जैसा कि मैंने कहा वो मेरी पड़ोसी है, ठीक है. तो अगर मैं उससे रोज मिलती हूँ तो मेरे चांसेस ज़्यादा है. रोज नहीं तो आए दिन मिलती हूँ, मान लो दूसरे दिन तीसरे दिन, तो मेरे चांसेस ज़्यादा है ना उससे मिलने के. तो मैं बोलूँगी, तब मैं इसे बनाऊँगी फर्स्ट कंडीशनल में. और मैं बोलूँगी इफ, अब मैं उसे यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, इफ आई सी मीरा टुमारो. मिलने के लिए हम सी का भी यूज़ करते हैं, मीट भी बोल सकते हैं. इफ़ आई सी और इफ़ आई मीट मीरा टुमारो आई विल स्पीक टू हर, या फिर आई विल टेल हर. जैसा कि मैंने बोला मैं उससे बोल दूंगी, आई विल टेल हर, ठीक है. अब आपने देखा ये था फर्स्ट कंडीशनल. जब सेकेंड बनाएंगे तो इस सेंटेंस के लिए क्या बोलूंगी मैं? सेकेंड क्यों बनाऊंगी पहले ये समझिए. अगर मान लीजिए भले ही पड़ोसी है बट हम जल्दी नहीं मिलते, जैसा कि आप जानते हैं बिजी लाइफ, जल्दी मिलना जुलना नहीं होता. मान लो हफ्ते दो हफ्ते में कभी मिलती हूँ और वो बोल रहा है कि उससे बोल दो, यानी कि आप बोल रहे हैं कि उससे उस तक मैसेज पहुँचा दो. तो मैं बोलूँगी इफ आई सॉ मीरा टुमारो, या फिर इफ आई मेट मीरा टुमारो. तो यहाँ पे हमने पास्ट सिंपल यूज कर लिया, सेकेंड फॉर्म सी की सेकेंड फॉर्म सॉ और मीट की सेकेंड फॉर्म मेट. इफ आई मेट मीरा टुमारो आई वुड टेल हर, मैं उसे बोल दूंगी. तो आपने समझा ना, जब मैंने ये बोला तो मैंने ये साफ साफ आपको बता दिया कि पॉसिबिलिटी कम है. ज़रूरी नहीं है कि आपका काम कल मैं पूरा कर दूँ, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो. इफ आई सॉ मीरा टुमारो आई वुड टेल हर, ये हुआ सेकेंड कंडीशनल. पॉसिबिलिटी बहुत ही कम, पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी तो आपने फर्स्ट कंडीशनल यूज़ किया. आई होप कि आपके ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया हो. इसी तरीके से हम और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके लिए कंफ्यूजिंग ना रहे ज़रा सा भी कंडीशनल्स. मैं चाहती हूँ आपको हर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए ताकि आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाए. अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. सो गाइज, एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट. तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे और अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना के देख लेते हैं. तो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चंस हैं. व्हाट वुड यू डू इफ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी, अगर आप बहुत सारा पैसा जीत जाएं तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर कभी भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या करेंगे, या फिर आपको किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसी तरीके से पूछेंगे. व्हाट वुड यू डू इफ यू, ओके, इफ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी. सो इफ यू, फिर सेकेंड फॉर्म यूज करनी है आपको, या फिर इफ यू वर आई, अगर आप मैं होते तो आप क्या करते. वॉट वुड यू डू इफ यू डिड नॉट फाइंड एनी बडी टू प्रैक्टिस विद, आप क्या करते या फिर आप क्या करेंगे अगर आप
किसी को ना पाएं प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए ना हो, आपको कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए ना मिले, तो आप क्या करेंगे? जैसा कि मैं कहती हूँ कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए किसी पार्टनर को ढूंढिए, तो अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब आप लिखिए, क्योंकि आपको पता है, मैंने इसका जवाब भी आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, वॉट वुड यू डू, ठीक है, वुड यूज किया है किसमें, रिजल्ट क्लॉज में, यहाँ पे आप देखिए, और इफ क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं पॉजिटिव में, यहाँ डिड नॉट नेगेटिव है तो फिर डिड नॉट हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि पास्ट सिंपल होना चाहिए। पास्ट सिंपल में आप वॉज वर्ब का भी यूज करते हैं लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं आती, और आप डिड का यूज करते हैं या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का होगा। इसी तरीके से यहाँ भी था, इफ यू वॉन, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया था हमने। इन्हीं सेंटेंसेस को पलट भी सकते हैं, इफ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी वॉट वुड यू डू, या फिर इफ यू डिड नॉट फाइंड एनीबॉडी टू प्रैक्टिस विद व्हाट वुड यू डू। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पलट के, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर आई, जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा कि आप क्या करेंगे या आप क्या करते अगर आप मैं होते, आप मेरी जगह होते, तो आप पाएंगे बहुत लोग यू वर मी भी बोलते हैं, इफ यू वर मी, ठीक है, तो वो भी गलत भी नहीं माना जाता, इसमें डिबेट चलती रहती है कि कौन सा सही है, बट दिस इज परफेक्ट, ठीक है, इफ यू वर आई, बट मी का भी यूज कर सकते हैं। इफ यू वर लेट, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, अब यहां आते हैं, इफ यू वर लेट आई वुड नॉट लेट यू इन, ये देखने में क्या लग रहा है, इफ़ यू वर लेट कि अगर तुम लेट होते, लेकिन ऐसा नहीं है, पास्ट की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जब पास्ट सिंपल और वुड के साथ बनाते हैं तो वो कंडीशनल कौन सा होता है, सेकेंड वन, ठीक है। इफ़ यू वर लेट, अगर तुम्हें लेट हुआ, अगर तुम देर से आए, आई वुड नॉट लेट यू इन, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, तो ये हमने यूज़ किया क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है, इस कंडीशनल को यूज़ करने का मतलब ये है कि जिससे मैं ये चीज़ बोल रही हूँ वो जल्दी लेट नहीं होता, तो चांसेस बहुत ही कम है कि वो लेट हो, फिर भी अगर मुझे लग रहा है शायद वो लेट हो जाए किसी वजह से, तो मैं बोल रही हूँ इफ़ यू वर लेट आई वुड नॉट लेट यू इन, ठीक है। तो ये था सेकेंड कंडीशनल। अब इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे बना रखा है फर्स्ट कंडीशनल में, क्यों, ये मैं बोल रही हूँ इफ यू आर लेट अगेन आई विल नॉट लेट यू इन, अगर तुम्हें फिर से देर हुई, या फिर चलिए अगेन हटा देते हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे से कंपेयर करें, इफ यू आर लेट आई विल नॉट लेट यू इन, अगर तुम्हें देर हुई तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, आप अक्सर लेट हो जाते हैं, इसको बोलने का यही मतलब है कि चांसेस ज्यादा है कि आप फिर से लेट होंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपको देर हुई तो मैं अंदर नहीं आने दूंगी। और इसी सेंटेंस को ये मैंने इस तरीके से बोला, इफ यू वर लेट आई वुड नॉट लेट यू इन, दैट मीन्स कि चांसेस कम है कि आप लेट हो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इफ शी इन्वाइटेड मी आई वुड गो टू हर पार्टी, इफ शी इन्वाइटेड मी, सेकेंड फॉर्म यूज हो, वॉज वर्ड इस तरीके से यूज हो इफ क्लॉज में, तो आप समझ जाएंगे सेकेंड कंडीशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो मुझे आमंत्रित करेगी या करती है, आई वुड गो टू हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा, तो ये मैंने तब यूज़ किया क्योंकि चांसेस कम है कि वो मुझे इनवाइट करे, ठीक है। तब मैं बोल रही हूँ इफ शी इन्वाइटेड मी आई वुड गो टू हर पार्टी, अगर इन्वाइट कर लेती है बाई चांस तो मैं जाऊँगा, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो मुझे इन्वाइट करेगी। अब इसी को अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो मैं फर्स्ट कंडीशन में बनाऊंगी और बोलूंगी इफ शी इन्वाइट्स मी, अगर वो मुझे इन्वाइट करती है या करेगी, आई विल गो टू हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा, अगर इन्वाइट करेगी तो मैं जाऊंगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो इन्वाइट करेगी। अब मैं वो बात कर लेती हूँ जो मैंने पार्ट वन में, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, दोनों की हिंदी सेम थी, इंग्लिश अलग थी, कि मैंने क्या बोला कि आसमान में बादल छाए थे और मैंने बोला कि अगर बारिश हुई तो मैं घर पर ही रहूँगी, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, और फिर मैंने दूसरे दिन बादल नहीं छाए थे तो बोला इफ इट रेन आई वुड स्टे एट होम। तो उसमें फर्क यही है, जब बादल छाए हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि बारिश हो सकती है, तो मैंने बोला इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, फर्स्ट कंडीशनल। जब दूसरे दिन बादल नहीं थे, चांसेस बहुत कम थे, फिर भी क्योंकि रेनी सीजन है थोड़े बहुत चांसेस हैं, और नहीं भी हैं तो भी हम सेकेंड कंडीशनल यूज करते हैं, तो मैंने बोला इफ इट रेन, यानी रेन की सेकेंड फॉर्म, इफ इट रेन्ड I would stay at home.
क्लियर, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके लिए, आपने जीरो सीख लिया, आपने फर्स्ट सीख लिया, आपने सेकंड सीख लिया। अब मैंने थर्ड सेंटेंस बोला था वीडियो बनाते वक्त, मैंने ये बोला कि बारिश नहीं हुई और मुझे बाहर जाना पड़ा, घर में मैं नहीं रही। और फिर मैंने बोला इफ इट हैड रेन्ड आई वुड हैव स्टेड एट होम, मतलब कि अगर बारिश हुई होती तो मैं घर पर ही रुकती। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश नहीं हुई थी और मैं बाहर गई थी, तो मैं क्या विश कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या कंडीशन रख रही हूँ कि अगर बारिश हुई होती तो मैं घर पर ही रही होती, मुझे बाहर न जाना होता। ये हुआ थर्ड कंडीशनल। तो अब ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, हम सीखते हैं थर्ड कंडीशनल। ऑलराइट गाइस, अब देखिए अब सीखते हैं थर्ड कंडीशनल। आप देख सकते हैं आप थर्ड कंडीशनल सीखने वाले हैं, लेकिन बी हैप्पी, इसमें कुछ ट्रिकी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। जैसे आपने जीरो कंडीशनल समझा, उसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये फैक्ट है या नहीं है, लेकिन थर्ड कंडीशनल इज द सिंपलेस्ट वन, सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये ट्रिकी नहीं है जैसा कि मैंने पहले बोला। तो आप समझते हैं ये हम कब यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशनल वी यूज टू टॉक अबाउट एक्सपायर्ड पास्ट सिचुएशन। अब मैं एक्सपायर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ, पास्ट को आप बदल नहीं सकते, तो आप तब की बात कर रहे हो, वो भी एक्सपायर्ड है, मतलब उसे तो आप बदल नहीं सकते, कुछ इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कंडीशनल है, तो आप इमेजिन कर रहे हैं कंडीशन रख के, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। जैसा कि मैंने आपको वो सेंटेंस दिया था, इफ इट हैड रेन्ड आई वुड हैव स्टेड एट होम, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सेंटेंसेस सीखेंगे। अब एक चीज और समझिए, इमेजिनिंग डिफरेंट पास्ट, जब आप ये कंडीशनल यूज करते हैं, एट दैट टाइम यू आर इमेजिनिंग डिफरेंट पास्ट, ठीक है, जो पास्ट है उससे अलग सोच रहे हैं, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। तो इसका जो रूल है, स्ट्रक्चर है, वो ये है कि इफ तो यूज करना ही है, फिर आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी कि इफ क्लॉज को आप पास्ट परफेक्ट की मदद से बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि आप क्या यूज करते हैं, हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो आपका रिजल्ट क्लॉज होता है, जो रिजल्ट आता है उसका, उसमें आप यूज करेंगे वुड हैव डन, यानी कि वुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ मैंने डन दिया, यानी डू की थर्ड फॉर्म, तो आप जो भी वर्ब रहेगा उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो याद कर लीजिए पास्ट परफेक्ट वुड हैव डन, इस तरीके से। अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, अगर अलार्म नहीं बजा होता तो मेरी नींद नहीं खुलती। ये सेंटेंस कहते ही ये समझ में आ गया कि पास्ट की बात है, और ये भी समझ में आ गया कि इसमें क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अलार्म बजा था और मेरी नींद अलार्म से खुली थी। तभी तो मैं बोल रही हूँ अगर अलार्म नहीं बजा होता तो मेरी नींद नहीं खुलती, मैं अभी तक शायद सो रही होती। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप बनाएंगे कैसे, इफ द अलार्म हैड नॉट गॉन ऑफ, ठीक है, गो ऑफ होता है अलार्म बजने के लिए, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि मैंने कुछ और ही लिख दिया है। गो ऑफ अलार्म बजने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने गो की थर्ड फॉर्म यूज की। सो इफ द अलार्म हैड नॉट गॉन ऑफ, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, कॉमा, आई वुड नॉट हैव वोकन अप, ठीक है, वुड नॉट हैव, या फिर आप बोल सकते हैं वुडंट हैव वोकन अप। तो यहाँ पे आपने इस स्ट्रक्चर को यूज किया, वोकन क्या है, थर्ड फॉर्म है वेक की, ठीक है, वोकन अप। तो इसी सेंटेंस को पलट भी सकते हैं, आई वुड नॉट हैव वोकन अप इफ द अलार्म हैड नॉट गॉन ऑफ, वहां पे कॉमा नहीं यूज करेंगे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब भी हम इस स्ट्रक्चर को पलट देते हैं, यानी कि रिजर्व क्लॉज पहले रखते हैं, इफ क्लॉज को बाद में, तब हम कॉमा का यूज नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को दो तरीके से बना सकते हैं। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि आप पहले इफ क्लॉज को यूज करें बाद में रिजर्व क्लॉज, या फिर रिजर्व क्लॉज को पहले करें और इफ क्लॉज को बाद में। अगला सेंटेंस, अगर तुम सो गए होते तो तुम फिल्म ना देख पाते, इसका मतलब कि वो नहीं सोया, उस वो जागा और उसने फिल्म देखा, ठीक है, टोटली डिफरेंट है, जो रियल सिचुएशन थी, रियल पास्ट जो था वो टोटली इसका ऑपोजिट है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं। अगर तुम सो गए होते तो तुम फिल्म ना देख पाते, तो इसे हम बनाएंगे इफ यू हैड गॉन टू बेड, या फिर इफ यू हैड स्लेप्ट, ठीक है। तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया हमने, कॉमा, यू वुड नॉट हैव वॉच्ड द मूवी, तुम पिक्चर ना देख पाते या फिर ना देखे होते। इसी को पलट सकते हैं, यू वुड नॉट हैव वॉच्ड द मूवी इफ यू हैड गॉन टू बेड, क्लियर। अगला सेंटेंस है, अगर आपको ये वीडियो पहले मिली होती, इस वीडियो की बात कर रही हूं मैं, तो आप
कंडीशनर्स सीख गए होते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वीडियो पहले नहीं मिली थी और अभी तक आपको कंडीशनर्स इसी से नहीं आ रहा था, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर ये वीडियो पहले मिली होती तो आप कंडीशनर्स सीख गए होते, लेकिन ये वीडियो अब मिली और अब आप सीख रहे हैं। तो ये भी पास्ट की बात हुई और इसे हमने बनाया। इफ़ यू हैड गॉटन दिस वीडियो अर्लियर, इसका मतलब कि अगर आपको ये वीडियो पहले मिली होती तो पास्ट परफेक्ट हमने यूज़ किया। गेट की थर्ड फॉर्म गॉट भी होती है और गॉटन भी होती है, ठीक है। कॉमा, यू वुड हैव लर्नड कंडीशनल्स, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यू वुड हैव लर्नड कंडीशनल्स। अब यहाँ भी मैं बता दूँ कि लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है। ऑलराइट, तो आपने क्या सीखा? इफ़ यू हैव गॉटन दिस वीडियो अर्लियर, ये मैं आपसे बता भी रही हूँ, You would have learnt या फिर learnt conditionals, आप conditionals सीख गए होते। Guys, अब आप conditionals सीख गए हैं। जो इसके main part हैं वो यही चार हैं, 0, 1, 2 और ये 3, यानी कि first conditional, second conditional, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल। तो गाइस, अब आपको क्या कोई भी डाउट रह गया? अब जब भी आप ऐसे किसी पास्ट की बात करें जहाँ कि आप इमेजिन करें कुछ, और एक और सेंटेंस देती हूँ, जैसा कि मैंने इनविटेशन के लिए, पार्टी के इनविटेशन के लिए बोला था, तो उसे इसमें बनाते हैं, तो ये हो जाएगा, इफ शी हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू हर पार्टी। अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं उसकी पार्टी में गया होता। मतलब ना तो उसने इनवाइट किया ना मैं गया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक डिफरेंट सिचुएशन, पास्ट में कोई डिफरेंट चीज़ जो कि ऐसी होती तो रिजल्ट कुछ ऐसा होता। तो कंडीशनल्स का यही काम ही है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो। तो गाइज, आई होप कि अब आपको इस इफ़ वाले सेंटेंसेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी भी मिक्स्ड वाले कंडीशनल्स बचे हुए हैं, मिक्स्ड वन एंड मिक्स्ड टू, यानी कि कोई चीज़ मैं ये कहूँ कि अगर उसने ऐसा किया होता तो अभी सिचुएशन कुछ और होती, यानी कि पास्ट की किसी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, उसका जो रिजल्ट है अभी रिजल्ट कुछ और होता, तो पास्ट से अभी को कनेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए कीजिए अगली वीडियो का इंतज़ार, ताकि आप उस चीज़ को भी समझ के सभी कंडीशनल्स सीख जाएं और ज़िंदगी में कभी भी कंडीशनल्स को लेकर कंफ्यूज ना हो। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ भी होते हैं, आप डेली यूज़ इंग्लिश, यानी कि डेली यूज़ अपनी जो भी कॉन्वर्सेशन आपकी है उसमें आप इसे यूज़ करते हैं। तो गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आफ्टर दैट डू हिट द बेल आइकन। याद रखिएगा, अगर आप नए हो यानी कि सब्सक्राइब ना किया हो तो ही आपको सब्सक्राइब करना है। किसी भी चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है। अब आप कमेंट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द इसकी अगली पार्ट के साथ, और साथ ही साथ आप डेली यूज सेंटेंसेस और फ्रेजेस के लिए मेरी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।